अगली खबर में बात करते हैं नशा मुक्ति अभियान को लेकर। नशा मुक्ति अभियान के तहत जवा थाना पुलिस भी विद्यार्थियों और आमजन को नशे से दूर रहने की समझाइश दे रही है। इसके तहत शुक्रवार को जवा थाना प्रभारी गीतांजलि सिंह सोमवंशी के मार्गदर्शन में एक निजी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम कराया गया। यहां विद्यार्थियों सहित ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणाम बताएं, शराब, सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू सहित अन्य सभी नशों से दूर रहने की समझाइश दी। स्कूल में महिला सुरक्षा के तहत महिला थाना प्रभारी गीतांजलि सिंह सोमवंशी ने स्कूल की छात्राओं का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि उन्हें डर कर किसी के भी अनुचित बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत आपको करनी होती है तो किसी भी समय आप अपने माँ बाप या पुलिस से कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सभी का कर्तव्य है कि वह अपने उत्तरदायित्व को समझें और स्वेच्छा से अनुशासन का पालन करें। इसको आप पहले ढूंढो कि वो जो ट्राई है ना वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। लड़के को तो बिल्कुल नहीं सुनना, लड़का एकदम फ्री है। और तब तो मैं जाके सोचोगे कभी घृणा भी उसने कर रखी है, तो लड़कों के साथ भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी हम एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पे सामने वाला ये नहीं देख रहा है कि वो लड़का है या लड़की, उसे जो चाहिए उसे उससे मतलब है। उससे मतलब नहीं है कि आप किस चीज से गुजर रहे हो, आप एक छोटे बच्चे हो, आप हर तीसरे दिन एक न्यूज पेपर उठाओ। किसी चीजों के लिए आवाज उठाना सीखिए, चाहे आप लोग किसी भी चीजों में आपको आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो वही जवाब दीजिए और सीधे आप वहाँ से उससे बैक हो जाइए, क्योंकि ये लड़का हमारे लायक है ही नहीं। अंडरस्टूड। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित। और मैं हूं अनीता भट्ट। और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.